प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ के लिए जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र संस्कृत का जारी किया गया है, उसी का हम लोग सब्जेक्टिव आंसर को श्री उत्तम कुमार मंडल, जो प्लस टू उच्च विद्यालय गोपी कांदर संस्कृत के शिक्षक हैं, उनके द्वारा समझेंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद रांची, वार्षिक परीक्षा 2022-23, सब्जेक्टिव मॉडल प्रश्न पत्र, पूर्णांक 40, सामान्य निर्देश। इसमें सामान्य निर्देश दिया गया है, एक नंबर में है, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते एव कर्तव्यानि। दो नंबर, अस्मिन् प्रश्नपत्रे त्रयः खण्डाः सन्ति, सर्वेषां प्रश्नानां संख्या 19 सन्ति। प्रश्न संख्या 1 त 7 पर्यन्तम् अति लघु उत्तरीयाः प्रश्नाः सन्ति, अस्य कृते 2-2 अंक निर्धारितो अस्तः, केचन पञ्चानां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि। प्रश्न संख्या 8-14 पर्यन्तम् लघु उत्तरीया प्रश्नाः सन्ति, अस्य कृते 3-3 अंकाः निर्धारिताः सन्ति, केचन पञ्चानां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि। प्रश्न संख्या 15-19 पर्यन्तं दीर्घ उत्तरीयाः प्रश्नाः सन्ति, अस्य कृते 5-5 अंकाः निर्धारिताः, केचन त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि। खंड क 10 अंकः। निर्देशः, निम्नलिखितं गद्यांशं पद्यांशं नाट्यांश च पठित्वा केवलं पञ्चानां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किञ्चित् वित्तम् उपार्जितवान्, तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्न समभूत। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः, पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः, परम अर्थकार्येन पीडितः स बस यानं विहाय प्रदातिरेव प्राचलत। पूर्णवाक्येन उत्तरत, कीदृशः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम् अर्जितवान्। किस प्रकार का जो है मनुष्य परिश्रम करके धन का उपार्जन करते थे, तो यहाँ होगा निर्धनः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम् अर्जितवान्। अगला क्वेश्चन है, किं विहाय स पदातिरेव प्राचलत्। बसयानं विहाय स पदातिरेव प्राचलत्। अगला क्वेश्चन है, निर्धनः जनः अत्र विशेषण पदं किं। तो अत्र निर्धनः विशेषण पदम् अस्ति। निर्देशः, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत्, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नासत्युद्दमः समः बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। पूर्णवाक्येन उत्तरत्, अस्माकं महान् रिपुः कः वर्तते। अस्माकं महान् रिपुः आलस्यं वर्तते। मित्रम् इति पदस्य विलोम पदं पद्यांशे किं प्रयुक्तं। तो पद्यांशे मित्रम् इति विलोम इति पदस्य विलोम पदं रिपुः प्रयुक्तम्। निर्देशः, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखत् सिंह। क्रोधेन गर्जन, भो अहं वनराज, किं भयं न जायते, किं अर्थं माम एवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। एकः वानर यत् त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः।
अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि तर्हि कथम अश्वान् रक्षसि। पूर्णवाक्येन उत्तरत् यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा आयुग्यः इति क कथयति। यतः उत्तर हो गया इसका, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा आयुग्यः इति एकः वानरः कथयति। राजा तु रक्षकः, अत्र विशेषणपदं किम् अस्ति? राजा तु रक्षकः, अत्र विशेषणपदं रक्षकः अस्ति। खंड ख निर्देशः। अस्मिन् खंडे केवलं पञ्चानां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं मञ्जुषायाः पदानि चित्वा पुर्यत्। शरीर आयासजननं कर्मव्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विवृद्रियायात समन्ततः। क्वेश्चन है 8 नंबर में, अन्वय इसका लिखना है। शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तु देहं सुखं समन्ततः विमृदु नियात। निर्देशः। अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थ मञ्जुषातः उचितं पदं चित्वा पुर्यत्। सेवितव्य महावृक्ष फलच्छायाः छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। भावार्थ। संसारे सदैव फले छाया च युक्तः महान् वृक्षः आश्रितव्य भवति, यदि दुर्भाग्यवशात् तस्मिन् वृक्षे फलानि न अपि भवेयुः तथापि तं छायां दातुं कश्चित् अपि रौद्रं न शक्नोति। अगला क्वेश्चन है। समुचितं कालबोधकं शब्द लिखत्। जननी प्रातः नववादेन उत्तिष्ठित, इसका होगा नववादेन उत्तिष्ठत। अगला क्वेश्चन, छात्रः विद्यालयं सपाद नववादेन गच्छति। देव सायं पादोनषड् या पादोनषट् वादेन भ्रमति। अगला क्वेश्चन है, वाचस्य नियमानुगुणं विकल्पं शुद्धं चिनोत। देवः फलं खादति। लतया पुस्तकं पठ्यते, मया उच्यते हस्यते। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम कुरुत। सः पाठं पठन्ति, उत्तर होगा इसका सः पाठं पठति। अहम विद्यालयं स्वः गच्छामि, इसका उत्तर होगा अहम विद्यालयं स्वः गमिष्यामि। सः बालिका अस्ति, तो वह यहाँ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ होगा सः बालिका अस्ति। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वाचिनोत। मक्षिकानां अभाव अत्र क्या होगा, निर्मक्षिकम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, न योग्यः पुरुषः नास्ति। अगला क्वेश्चन, दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्, यहाँ उत्तर होगा दशरथ पुत्रः रामः आसीत्। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित समानार्थक पदे मेलनं कुरुत। चक्षुर्भ्याम का होगा नेत्राभ्याम, जवेन का होगा तीव्रगत्या, इंद्रः का होगा देवराजः, शीघ्रम का होगा अचीरम, बलिवर्द का होगा वृषभः, पुत्रा का होगा सूतः। खंड ग। अस्मिन् खंडे केवलं त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि। अवकाशाय प्रधानाध्यापकं प्रति लिखितं ईदं पत्रं मञ्जुषा सहायतया पुर्यत्। मञ्जुषा एक नंबर खाली जगह में होगा, सेवायां प्रधानाध्यापक महोदय कख ग उच्च विद्यालय
रांची नगरम विषय हो जाएगा इसका अवकाशाय आवेदन पत्रम महाशय सविनयम। दो नंबर में होगा इसका निवेदनम इदम अस्ति यत। तीसरा नंबर में हो जाएगा इसका अहम हय ज्वरेण पीड़िता आसम अशमात। पांच नंबर का होगा इसका कारणात अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। चिकित्सक मम कृते विश्राम कर्तुम परामर्शम दत्तवान। अतः एव त्रयानाम दिवसानाम अवकाशम प्रदाय ममोपरि भवान अनुग्रहम करोतु। एतद् अर्थम सदैव ऋणी भविष्यामि। स धन्यवादः भवतः आज्ञाकारी छात्रः महेश्वरः कक्षा नवमी। यहाँ तिथि डाल देना है। अगला क्वेश्चन है मंजूषा अनुग्रह सेवायाम पीड़िता चुन के लिखना था। इसका मंजूषा था। अगला क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृति पंचवाक्यानि विरचयत। चित्र को देखकर पांच वाक्य लिखना है। मंजूषा में दिया गया है नदी जना तरंती वार्तालाप क्रीड़ता नदी तीरे वृक्ष व्यायामम शीतलम जलम अद्य नद्याम। उत्तर होगा इसका है इसका पांच वाक्य बनाया गया है इदम एकस्याः नद्याः चित्रम अस्ति अत्र जनाः नद्यां तरन्ति नदी तीरे एकः वृक्षः अस्ति वृक्षस्य अद्य जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति अत्र दो बालको क्रीडतः। अगला क्वेश्चन है मम विद्यालयः इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृति पंचवाक्येषु मंजूषा सहायतया अनुपदम लिखत। मंजूषा आदर्शः विद्यालयः श्रेष्ठ प्राचार्य शिक्षकाः विषयान् सहस्रम छात्रा बालक बालिका नगरी पंक्तिबद्धा प्रार्थयन्ति वृक्षाः क्षेत्रम उद्यानम। उत्तर होगा मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति अत्र सहस्रम छात्राः पठन्ति सर्वे बालक बालिकाः पंक्तिबद्धाः भूत्वा ईश्वरं प्रार्थयन्ति सर्वे शिक्षकाः स्वविषयान् पाठयन्ति विद्यालये एकं सुन्दरम् उद्यानम् अपि अस्ति। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत शिवेना विना इदं दुष्करं कार्य कः कुर्यात्। इसमें होगा कम या केन विना इदं दुष्करं कार्यं कः कुर्यात्। ख नंबर है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृत प्राणेभ्यो अपि प्रियः किम। ग नंबर क्वेश्चन है आयस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखंडिता कस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखंडिता। अगला क्वेश्चन है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजानः प्रति प्रियम इच्छन्ति। उत्तर होगा इसका प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रति प्रियम इच्छन्ति। अगला क्वेश्चन है त्रिनानाम अग्निना सह विरोधो भवति केषाम अग्निना सह विरोधो भवति। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत बुद्धिमती पुत्र पुत्र द्वयेन उपिता पीतु गृहं प्रति चलिता। मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रं विभज्य भुज्यतां। व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रं विभज्य भुज्यतां। अगला है व्याघ्र व्याघ्रं मारि इयम् इति मत्वा पलायतीतः। उत्तर होगा व्याघ्र व्याघ्रं मारि इयम् इति मत्वा पलायितः।
बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपिता पितुर्गृहं प्रतिचलिता जम्बो कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।